नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल समय चक्र में। दर्शकों, कहते हैं कि श्री कृष्ण के तीसरे गुरु घोर अंगिरस थे। ऐसा कहा जाता है कि घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अलावा और भी कई उपदेश दिए थे। कहते हैं कि अनुगीता नाम से एक गीता है। इस गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब पांडव युद्ध जीत गए थे। ये गीता भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। ये ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। अनुगीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत का ही एक हिस्सा है। अनुगीता का शाब्दिक अर्थ है गीता का अनु, अर्थात गीता के परिशिष्ट के रूप में गीता। ये भगवद गीता के नैतिक आधार पर आधारित है। कई ऐसे प्रश्न, संदेश और बातें हैं जो गीता में छूट गए थे, उसका समावेश अनुगीता में मिलेगा। ये गीता वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन और श्री कृष्ण को सुनकर याद किया था। वे महाभारत के कई संवादों और विवादों का उल्लेख करते हैं। इस गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, बुद्धि, इंद्रिय रूप, ध्यान, पंचभूत, ऋषियों के संवाद, इतिहास की बातें आदि बताते हैं। अनुगीता सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद ही नहीं है, इसमें श्री कृष्ण वासुदेव को महाभारत का प्रसंग और घटनाक्रम को बताते हैं। इसके अलावा इस गीता में युद्ध के बाद के कई घटनाक्रम जुड़े हैं जिस दौरान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। इस गीता को पढ़ना भी रोचक है क्योंकि इसमें सिर्फ उपदेश नहीं है और भी बहुत कुछ है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से स्थान पर दिया था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।